हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा पहल जीके में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ आपका, और आज से मैं पॉलिटी स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, मैं पॉलिटी स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल भी ऐसे नहीं समझाऊँगी आपको कि आपको वर्डन लगे, मैं बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने वाली हूँ, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आज बेसिक से स्टार्ट करूंगी कि सबसे पहले हम जब पॉलिटी कर रहे हैं तो ये चीज़ें जो नॉर्मल हैं, बेसिक हैं, वो तो हमको बहुत आसानी पता ही होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहीं से आपके सामने स्टार्ट कर रही हूँ। आप प्लीज़ इसको देखिएगा और ये तो आज अच्छे से याद ही कर लीजिएगा, और इसके बाद फिर हम अगला वीडियो देखेंगे, उसमें हम वैसे शुरू से ही हम पॉलिटी स्टार्ट करते जाएंगे, किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको हम ज़्यादा फोकस करेंगे। भले ही वो हमारा प्री हो, मेंस हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी स्टेट की आगे की तैयारी कर रहे हैं, आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं पढ़ाऊँगी, जो जितने भी पढ़ाऊँगी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाऊँगी। चलिए पहला देखते हैं। पहला मैंने लिखा हुआ है कि संविधान सभा, पहला मैंने लिखा है, क्या लिखा है आप देखिए, मैंने लिखा है ये संविधान सभा, संविधान सभा। तो संविधान, ये जो ये मैंने लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि मैंने ये बताया है कि जो भी हमारे संविधान सभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है और विधान परिषद है, इनमें सदस्य कितने हैं और ये जो सदस्य हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, मतलब कुछ भी इनसे रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा आपको, मैंने इसमें सब पूरा बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा संविधान सभा। संविधान सभा, संविधान सभा में जब हमारी संविधान सभा बनी थी तो उस टाइम कितने सदस्य थे, उस टाइम 389 जो थे सदस्य थे। याद रखिएगा, जब हमारी संविधान सभा बनी थी तो कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। उसमें जो 292 सदस्य थे वो प्रांतों से आए थे। 292 सदस्य कहाँ से आए थे, प्रांतों से आए थे। याद रखिएगा, 292 सदस्य जो हैं प्रांतों से आए थे, और 93 सदस्य देसी रियासतों से आए थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 389 थे। प्रांतों से कितने आए थे, तो 292 आए थे। देसी रियासतों से कितने आए थे, 93 आए थे। और कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने आए थे, 4 आए थे। तो याद रखिएगा, जो संविधान सभा है उसमें 389 सदस्य थे, 292 जो है प्रांतों से आए थे, 93 देसी रियासतों से आए थे, और जो 4 है वो कमिश्नरी क्षेत्रों से आए थे। लोकसभा देखते हैं। लोकसभा में जो है 552 सदस्य थे, लोकसभा में कितने सदस्य हैं, लोकसभा में 552 सदस्य हैं। उसमें से क्या है, 530 जो हैं वो राज्यों द्वारा आते हैं। याद रखिएगा, 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों द्वारा आते हैं, 20 संघीय क्षेत्रों द्वारा आते हैं। 20 काय के द्वारा आते हैं, 20 जो है वो संघीय क्षेत्रों के द्वारा आते हैं, और 2 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा आते हैं, 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है, 552 है। राज्यों के द्वारा कितनी आती है, 530 आती है। संघीय क्षेत्रों के द्वारा तो 20 आती है, और राष्ट्रपति द्वारा कितने आते हैं, 2 आते हैं। राज्यसभा देखते हैं। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 है। याद रखिएगा, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 है। उसमें से 238 जो सदस्य हैं वो राज्यों द्वारा आते हैं, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति विशिष्ट क्षेत्रों में जो भी उपलब्धि पाता है उनको राष्ट्रपति द्वारा ये चुने जाते हैं, ये 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। 250 राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं, 238 राज्यों द्वारा चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट, विधानसभा जो राज्यों में होती है, तो विधानसभा में तो विधायक मतलब हम जनता ही चुनते हैं, तो विधानसभा में जो है 500 सदस्य होते हैं अधिकतम। विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, 500 होते हैं, और 60 जो कम से कम होना ही चाहिए, मतलब हम बोले मिनिमम कितना होगा तो 60 होगा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 500। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे कि गोवा है, गोवा में 40 ही हैं, मिजोरम में 40 हैं, सिक्किम में 32 हैं, और पांडिचेरी में 30 हैं। तो याद रखिएगा, पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र है उसमें 30 हैं, और राज्यों में अगर पूछें सबसे कम तो किस में है, हाँ हमारा इसमें सिक्किम में है, याद रखिएगा, है ना। और
गोवा में 40 हैं और मिजोरम में 40 हैं। विधानसभा में अधिकतम कितना हो सकता है? 500, और कम से कम कितना हो सकता है? तो ये हो सकता है 60। नेक्स्ट है हमारा विधान परिषद। विधान परिषद बड़े बड़े जो हैं वहाँ जगहों पर होती है, तो ये विधानसभा परिषद में कोई मैक्सिमम नंबर नहीं है, लेकिन कोई भी राज्य की विधानसभा हो तो उसका एक तिहाई होता है। किसी भी राज्य की विधानसभा में जितनी भी संख्या हो उसका एक तिहाई जो होता है वो विधान परिषद की संख्या हो जाती है। किसी भी राज्य की विधानसभा का एक तिहाई कम से कम जो है वो जो इसका सदस्य हो जाते हैं। इसमें कम से कम कितना होना चाहिए? इसमें कम से कम 40 होना चाहिए, लेकिन अब बात है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कितना है? 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में क्या है? उच्चतम न्यायालय में अधिकतम मतलब कितने होते हैं? तो इसमें 31 होते हैं। 31 में सिर्फ क्या होता है? एक मुख्य होता है मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय में कुल 31 होते हैं, जिसमें से एक जो 30 जो है वो एक मुख्य होता है और 30 जो है अन्य होते हैं। एक ये नीचे की लाइन जरूर याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सदस्य लोकसभा में कहाँ से हैं? तो यूपी के हैं। देखिए यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ की सदस्य भी ज़्यादा होंगे। तो सबसे ज़्यादा सदस्य लोकसभा में कहाँ पे हैं? यूपी में। और पूछें सबसे कम है, तो सबसे कम एक जो है वो तीन राज्यों में है, मिजोरम में, सिक्किम में और नागालैंड में। याद रखिएगा कहाँ पे है? मिजोरम में, सिक्किम में, नागालैंड। फ्रेंड्स ये जो था, ये जो पूरा आपका बेस है पॉलिटी का, अगर आपको ये ही नहीं पता तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए आप ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप ये आज जैसे कि आज मैंने ये पढ़ाया है, तो आप इनको आज अच्छे से याद कर लीजिएगा, जैसे कि आपको पता रहे ये हमारा पूरा हमको बेसिक करना है, संविधान सभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उच्चतम न्यायालय में कितने कितने सदस्य होते हैं, कितने लोग होते हैं, कितने लोग चुन के आते हैं, कहाँ कहाँ से कितने सदस्य आ सकते हैं, ये मैंने एक जगह पर बहुत ही शॉर्ट वे में और बहुत ही कम शब्दों में आपको लिख दिया है। आप बस इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, जैसे आने वाले जब हम पॉलिटी के क्वेश्चंस करें, वो लीनियर करें या समझें, तो उसकी तैयारी जो है आपको होती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसके आगे के जो वीडियो हैं उनकी वो अच्छे से आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।